आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही हेलो गाइज, मैं हूं कमलेश और आपको हमारी यूट्यूब चैनल यंग टेक में स्वागत है। सो गाइज, जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो बस यार इस वीडियो को पूरा देखते रहना एंड तक। और यहां पे जो भी स्क्रीन पे काइन मास्टर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए और सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। आज का लाइक हम रखते हैं ओनली फॉर 100। आई होप आप इसको जरूर पूरा कर दोगे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, काइन मास्टर को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे आपको जाना होगा और जो बीच वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से किसी भी तरह का स्टेटस क्रिएट करवाना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। कैसे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और आपको डाउनलोड फोल्डर में आप उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो मैंने इस टेम्पलेट को यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। गाइज, इस टेम्पलेट के लिए मेरे को एक लाइक चाहिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपकी जो भी फोटो होगी सबसे अच्छी क्वालिटी वाली फोटो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे का जो भी आपको गैलरी का इंटरफेस मिल जाएगा, तो इसमें से आप जिस भी फोल्डर में से आप फोटो को सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ से एक फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको फोटो को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको फोटो को लेके जाना होगा लास्ट तक, जहाँ तक आपका टेम्पलेट यहाँ पे एंडिंग हो रही है उसी जगह पे आपको फोटो को यहाँ पे रख देना होगा। बस आपको इतना काम करने के बाद फोटो पे क्लिक करना होगा, थोड़ा इसको जूम आउट कर लीजिए। आपके यहाँ पे इस जो ब्लैक वाला यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है उसके बीच में आपको इसको रख देना होगा ताकि एक यहाँ पे ऊपर बॉर्डर सा लग जाए। और क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे से आपको इसको ऊपर भी इस तरीके से क्रॉप कर सकते हो ताकि आपकी फोटो पे यहाँ पे चारों ओर बॉर्डर सा लग जाए। तो कुछ इस तरीके से इसको आपको कर देना होगा। देख पा रहे हो आपकी फोटो यहाँ पे अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुकी है, इतना काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें आपको एक यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो को एड करना होगा, उसी के अंदर आपको साउंड मिलने वाला। तो लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाने के बाद मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे ओके कर देना होगा और यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन आ रही है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो आपको इस चीज़ को आगे से कट कर देना होगा। कैसे करना होगा, इस पे क्लिक कर देना होगा अगर जहाँ से आप कट करना चाहते हो, सीजर पे जाना होगा और आपको इसको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना होगा। देख पा रहे हो आगे से कट चुकी है, आपको इस पे दबा के रखना होगा। दबाने के बाद आप इसको यहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड से ले जा सकते हो। तो आपको इसको स्टार्टिंग पोजिशन पे लेके आ जाना होगा। इस तरीके से लेके आने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आप फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आपको क्रोमो की का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा और इसको इनेबल कर देना होगा। और यहाँ पे की कलर में जाने के बाद जिस कलर को हाइड करना चाहते हो उसी को सेलेक्ट करना होगा। तो अपन को यहाँ पे ग्रीन कलर को हाइड करना, तो यहाँ पे ग्रीन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से देख पा रही हो, थोड़ा सा आगे चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी नाम इसमें टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इसी पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्रोमो की ऑप्शन पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर देना होगा ताकि आपका यहाँ पे जो भी कलर आ रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन यहाँ पे आपके टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा वो भी थोड़ा यहाँ पे हाइड हो सके। तो इस तरीके से करने के बाद आपको इसको थोड़ा जूम आउट कर देना होगा फिर से, और यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करना होगा ग्रीन कलर वाले पे, और आपको इसको नीचे थोड़ा इसको जूम आउट करके जो नीचे नीचे भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर रख देना होगा। तो इसको पूरा यहाँ पे जूम आउट करके इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से क्रिएट कर देना होगा। यहाँ पे आपका वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इसको रखने के बाद। इस तरीके से करने के बाद यहाँ तक लास्ट तक आपका वीडियो चल जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे सबसे पहले आना होगा, यहाँ पे एक टेम्पलेट को ऐड करना होगा। लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाना होगा और गाइज आपको ऑल मटेरियल के नाम से सभी की लेयर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन सभी को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले इसको रोटेट करना होगा, इस तरीके से रोटेट मैंने किया और इसको पूरा जूम कर लिया। आप इसके फोटो के ऊपर भी रख सकते हो और यहाँ पे पूरे वीडियो के ऊपर भी आप इसको रख सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको स्लाइड करके आना होगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद फोर्थ नंबर पे स्क्रीन मिलेगा। आपने जैसे स्क्रीन किया आपका वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। गाइस, इसी तरीके से आपको वीडियो को क्रिएट कर लेना होगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइज आपने वीडियो को देख लिया, मैं आपको वीडियो पूरा प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि जो इसमें सॉन्ग चल रहा है उस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइज इसी तरीके से आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे जो भी काइन मास्टर चाहिए न्यू वर्जन वाला जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ पे प्रोफाइल से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा
और यहाँ पे सिंपल वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।